तो दोस्तों अगर आप एक तगड़ा लैपटॉप यानी कि हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं और आपके पास बजट कम है तो उस केस में आप रिफर्बिश लैपटॉप की तलाश करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे बहुत ही बढ़िया कंडीशन और बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूं जो कि मैंने खुद अमेजन से परचेस किया है। इस लैपटॉप में आपको इंटेल कोर i5 8 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा, साथ ही इसमें 8GB का रैम है और 256GB का इसमें SSD है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इस लैपटॉप का एक बार फिजिकल कंडीशन दिखा देता हूं। ये लैपटॉप कुछ इस तरह के कंडीशन में मेरे पास आया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है, जस्ट लाइक न्यू। ये देखिए गाइस मैं आपको हर तरफ से दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरह का इस लैपटॉप का कंडीशन था और इसे अगर हम ओपन करें तो ये देखिए गाइस ये बिल्कुल एकदम फ्रेश लैपटॉप है। अब इस लैपटॉप के सारे पोर्ट्स के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको यहां पर एक USB पोर्ट मिल जाएगा, एक यहां पर आपको सी टाइप का पोर्ट मिल जाएगा और ये एक यहां पर कार्ड रीडर का स्लॉट है। और साथ ही गाइस लैपटॉप के पीछे हम देखेंगे तो यहां पर आपको एक HDMI पोर्ट, एक और USB पोर्ट और यहां पर ये चार्जिंग का सॉकेट है और यहां पर पीछे की तरफ ही आपको लैन पोर्ट भी मिल जाएगा। और लैपटॉप के इस तरफ है एक लॉक करने के लिए पोर्ट, एक VGA पोर्ट और यहां पर एक और USB पोर्ट और यहां पर देखिए ये ऑडियो के लिए पोर्ट है। और लैपटॉप के फ्रंट में आपको यहां पर एक फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिल जाएगा। तो गाइस इस लैपटॉप को मैं एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूं कि इसका प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है। अब गाइस ये लैपटॉप जैसे ही ऑन होगा यहां पर आपको देखिए एक इस तरह का ऑटोमेटिकली एक पेज आ जाएगा डिस्प्ले पर। ये है UIN वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको एक बार फिल कर देना है, उसके बाद ये फिर से नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो सेलर है जो ये लैपटॉप सेल कर रहे हैं उनका यहाँ पर टोटल आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट डिटेल्स मिल जाएगा, फ़ोन नंबर साथ ही ईमेल एड्रेस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर या फिर इस ईमेल आईडी पर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइस मेरा आपको एक एडवाइस रहेगा, आप ये लैपटॉप अगर परचेस करते हैं तो आप इस लैपटॉप को परचेस करते हैं ये फॉर्म फिलअप मत कर देना। पहले आप ये लैपटॉप एक दो दिन यूज़ करके देख लेना, उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिलअप करना। अगर आपको कोई भी इस लैपटॉप में प्रॉब्लम मिले तो आप इसे रिटर्न या फिर रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर आप ये पहले ही फॉर्म फिलअप कर देंगे तो हो सकता है कि आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मे बी आई एम नॉट श्योर बट वो बोल सकते हैं कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपके नाम से रजिस्टर हो गया है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखना। अब वो वाला पेज मैंने क्लोज कर दिया है। अब गाइस मैं आपको इस लैपटॉप का प्रॉपर्टीज एक बार दिखा देता हूं। देखिए गाइस यहां पर इस लैपटॉप में इंटेल कोर i5 8250U यानी कि 8 जनरेशन का प्रोसेसर है और 1.6 GHz का है ये। और यहां पर आपको 8GB का रैम और इसमें आपको विंडोज 11 प्रो 22H2 का जो वर्सन है वो इंस्टॉल मिलेगा। और गाइस इसमें सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे, जैसे कि गूगल क्रोम है और इस तरह के, और बाकी के जो सॉफ्टवेयर आपको इसमें लगेंगे वो सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपने वीडियो का जो कि मैंने बना रखा है, वहाँ से जाकर आप अपने ज़रूरत के बाकी के सॉफ्टवेयर्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस अगर इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की बात करें तो इसका बैटरी बैकअप 3 घंटे से ज़्यादा मुझे मिला है। और ये देखिए गाइस इसका कंडीशन कुछ इस तरह का है, बिल्कुल फ्रेश लैपटॉप है। तो अगर आप एक तगड़ा लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो आप ये लैपटॉप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। गाइस अगर आपको फोटोशॉप पे काम करना है, कोडिंग करना है, शेयर ट्रेडिंग करना है, इंटरनेट पे काम करना है, स्टूडियो के पर्पज से आपको लैपटॉप चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको मीडियम साइज के गेम खेलने हैं, वो सारे काम आप इस लैपटॉप में बहुत ही इजिली कर पाएंगे। ये लैपटॉप मुझे अमेजोन पर 20,199 रुपए का मिला था। इसका प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, तो अगर आप ये लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस ये लैपटॉप पर्सनली अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैंने जो इसका कंडीशन देखा, जो इसकी फिजिकल कंडीशन है, तो मैं तो शॉक्ड हो गया, क्योंकि रिफर्बिश्ड या फिर रिन्यूड लैपटॉप में इतना क्लीन, इतना फ्रेश लैपटॉप मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफी सही लगा और इसका बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है। और ये लैपटॉप डेल लैटिट्यूड सीरीज का लैपटॉप है, इसका मॉडल 5490 है। ये जो लैटिट्यूड सीरीज के लैपटॉप होते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि ये लैपटॉप कॉर्पोरेट्स में ज्यादा चलते हैं। और बाकी तो मैंने इस लैपटॉप के बारे में आपको लगभग सब कुछ बता ही दिया है। अगर आपको ये लैपटॉप अच्छा लगे तो आप नीचे लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस अगर इसके बाद भी आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वारी हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और ऐसी टेक्निकल वीडियोस रेगुलर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।